क्या आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं? क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं? कोर्ट मैरिज करने का क्या प्रोसेस है? कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? कोर्ट मैरिज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कोर्ट मैरिज करने के बाद अगर जरूरत पड़े तो पुलिस प्रोटेक्शन कैसे लें? जब हम कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना चाहते हैं तो हमारे मन में ये सवाल अक्सर आते ही हैं। आज मैं आपको इन सारे सवालों का प्रैक्टिकल और लीगल सॉल्यूशन दूंगा, जिससे आपको इन सभी की सभी जानकारियों को आपकी शादी का प्रोसेस इजी और टेंशन फ्री करने में आसानी हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लीगल सेंटर। मैं एडवोकेट आयुष कर स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको आपकी लीगल प्रॉब्लम से रिलेटेड समस्याओं का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और आपकी लीगल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें, जिससे आपको समय समय पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी और हमें भी ऐसे वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। अगर आप मेजर हैं यानी बालिग हैं और आप और आपके पार्टनर की एज कंप्लीट है यानी पुरुष की 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष है और आप दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं तो आपको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूर्ण अधिकार है और ये अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। अगर एक बालिग लड़का और लड़की शादी करना चाहते हैं तो उनकी शादी में जाति धर्म जैसी कोई भी चीज जोड़ा नहीं बन सकती। अगर कोई अड़चन पैदा करता भी है या रोकता है तो लड़का और लड़की संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, हाईकोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज करने के दो तरीके होते हैं। पहला, रिलीजियस तरीके से शादी करके हमें उस शादी को कोर्ट में रजिस्टर कराना होता है और अपनी शादी को एक कानूनी मान्यता प्रदान कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोर्ट मैरिज करना। इस एक्ट के अंतर्गत दो अलग अलग धर्म के लोग बिना धर्म बदले शादी को कर सकते हैं। यहाँ हमें किसी भी रीति रिवाज को फॉलो नहीं करना होता है। इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए हम स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक महीने का नोटिस पीरियड होता है और उसके बाद शादी रजिस्टर हो जाती है। अब हम जानते हैं कोर्ट मैरिज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोर्ट मैरिज को करना चाहते हैं और सब तैयारियां भी कर लेते हैं लेकिन कुछ बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसकी वजह से हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे पहले लड़का और लड़की की एज कंप्लीट होनी चाहिए। लड़के की, जैसे मैंने आपको बताया, 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष एज पूरी होनी चाहिए। इसके लिए हमें एज वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल मार्कशीट या पासपोर्ट की कॉपी। कभी भी बिना एज वेरिफिकेशन के हमें शादी नहीं करनी चाहिए। सेकंड, हम कोर्ट मैरिज केवल वहीं कर सकते हैं जहां हम निवास करते हैं, जहां हमारी रिलीजियस तरीके से शादी हुई। मतलब हम कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन उस शहर में ही करा सकते हैं जिस शहर में लड़की रहती हो उनका एड्रेस हो, या लड़का रहता हो उनका एड्रेस हो, या फिर उस शहर में जहां पर हमने किसी रीति रिवाज के तहत अपनी शादी रजिस्टर की हो। जहां जिस तरीके से हमने मंदिर में शादी की हो, आर्य समाज में शादी की हो, निकाह किया हो या गुरुद्वारे में हमने शादी की हो, हम उस शहर में अपनी कोर्ट मैरिज रजिस्टर करा सकते हैं। शादी रजिस्टर कराने के समय दोनों पार्टनर की सहमति बहुत जरूरी है। बिना दोनों की सहमति के शादी रजिस्टर हो ही नहीं सकती है। कोर्ट मैरिज करते समय दोनों ही पार्टनर बैचलर होने चाहिए। पहले से कोई भी
शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर पहले से कोई शादीशुदा है तो हमें डाइवोर्स सर्टिफिकेट वहाँ सबमिट करना होता है। कोर्ट मैरिज करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, आइए हम ये जानते हैं। सबसे पहले एज प्रूफ के लिए हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। 10th की मार्कशीट भी चल सकती है, 8th क्लास की मार्कशीट भी चल सकती है, वोटर आईडी या फिर हम पासपोर्ट की कॉपी, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, कोई भी एक डॉक्यूमेंट काफी है। हमें इसके बाद 5 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होते हैं जो लड़के और लड़की दोनों के होते हैं। पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए 3 विटनेस बहुत जरूरी हैं। ये 3 विटनेस कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। विटनेस के लिए हमें एड्रेस प्रूफ, उनकी एक आईडी और 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होते हैं। अगर पार्टनर में से कोई भी पहले से शादीशुदा है तो उससे संबंधित डाइवोर्स डिग्री की कॉपी भी जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अगर कोर्ट मैरिज करने के बाद लड़का और लड़की की फैमिली से उनको जान का खतरा होता है या उनको कोई धमकी मिलती है तो नव दंपति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए हमें कपल प्रोटेक्शन एप्लीकेशन अपने स्टेट की हाई कोर्ट में सबमिट करना होता है और शादी से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट भी हमें संबंधित हाई कोर्ट में सबमिट करने होते हैं। हाई कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं और रिव्यू करने के बाद वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपरिटेंडेंट को कपल प्रोटेक्शन के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मुहैया कराने का एक ऑर्डर पास करते हैं। इस ऑर्डर के पास होने के बाद हमारी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार हमारी कोर्ट मैरिज की सारी प्रक्रिया पूर्ण होती है। एक सफल और टेंशन फ्री कोर्ट मैरिज करने के लिए हमें अच्छे लॉयर की जरूरत होती है। ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है जहाँ स्पेशली कोर्ट मैरिज से रिलेटेड लॉयर और एडवोकेट कोर्ट मैरिज कराने में आपकी हेल्प करते हैं। ऑनलाइन लीगल सेंटर के ऑफिस पूरे भारत में हैं, हर शहर में हैं। कोर्ट मैरिज करने के लिए या कोर्ट मैरिज से संबंधित किसी भी सवाल या जानकारी के लिए आप कभी भी स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट एडवोकेट्स या लॉयर से बात कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज से संबंधित सारी प्रक्रिया में हम हमेशा आपके साथ हैं। इस वीडियो में कोर्ट मैरिज से संबंधित दी गई इंफॉर्मेशन से अगर आपको कुछ भी लाभ होता है तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य पूरा होगा। अंत में हम आपकी फ्यूचर मैरिज के लिए शुभकामनाएं देते हैं। सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।